ग्रैनी चैनल की तरफ से सबका सलाम। आज हम चाय के साथ जो स्नैक बनाने जा रहे हैं वो है पोटैटो सैंडविच। इसके अंदर जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो है, एक बड़े साइज़ का पोटैटो मैंने उबाल कर उसे मैश कर लिया है। साथ में इसके अंदर जाएगा काली मिर्च, फिर नमक, मिर्च और गरम मसाला। साथ में थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन, 1 सब्ज़ मिर्च चॉप्ड और धनिया। उसके साथ हम ब्रेड यूज़ करेंगे, आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, हम ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। साथ में मक्खन और साथ में टमाटो केचप। तो चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। हम अपने मैश करदा आलूओं में अपना प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके फिर हम इसके अंदर जो तमाम जो खुश्क काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला है उसको भी शामिल करेंगे और उसको भी खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके अच्छी तरह हम अपने ब्रेड के ऊपर स्लाइस जो हैं उनके ऊपर हम केचप लगाएंगे और फिर उनको अपने ये जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की है उसको फिल करेंगे। दूसरा टोस्ट के ऊपर भी केचप लगाएंगे और उसको भी ब्रेड को हम इसके ऊपर देके फिर हम पैन फ्राई करेंगे। तो चले आए नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। अब हम तो जो ब्रेड हैं उनके पीस पे हम अच्छी तरह से केचप लगाएंगे, टमाटो केचप। अब ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, ताकि आपका जैसा भी आप खाना चाहें। चिली गार्लिक सॉस अगर किसी को पसंद हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेरिएशन आप कर सकते हैं, जैसे आलू के अंदर अगर आप चॉप करके गाजर मिला लें तो वो वेजिटेबल के साथ हो जाएगा, साथ में थोड़ा शिमला मिला सकते हैं, फिर इसके अंदर चीज़ का एक स्लाइस रख सकते हैं, उससे अच्छा जायके में थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा और मेरा ख्याल है कि चीज़ के साथ भी बड़ा अच्छा फील होगा। तो चलिए इसके अंदर हम अब अपनी जो फिलिंग है उसको भी बिछाते हैं। फिलिंग अच्छी सी कीजिएगा ताकि इसका जायका आए। अब हम पैन को चूल्हे पर रखते हैं और इसके अंदर मक्खन डालते हैं। एक सैंडविच जो हमने फिल कर लिया उसको हम इसके अंदर रखते हुए साइड से भी हम थोड़ा मक्खन लगाएंगे ताकि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। चूल्हे को थोड़ा ऐसा करेंगे। मक्खन की बजाय ऑयल अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
इसी तरह हम दूसरा जो सैंडविच है उसको रखेंगे इसके अंदर और इसको दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। ये एक साइड से हमारा तैयार हो गया, दूसरी साइड से भी अब हम देखेंगे कलर आ गया हो तो हम इसको उतार देंगे। दोनों तरफ से तैयार है हमारा सैंडविच तो हम इसे निकालते हैं प्लेट में और इसको कट करते हैं। आप इसको ट्राइंगल की शेप में कर सकते हैं या स्क्वायर, अपना स्क्वायर्स कर सकते हैं, जिसका आपको पसंद हो। मैं इसको ट्राइंगल में करूँगी और फिर इसके मेरी छोटे ट्राइंगल्स बनाऊँगी ताकि आसानी रहती है खाने में। तो चलें चाय के कप के साथ इसको एंजॉय करते हैं। तो चलें आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर चाय के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।